भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया से हैरान और परेशान करने वाली सनसनीखेज खबर आ रही है। एक युवती के साथ यौन शोषण और चार अन्य लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने जिला प्रशासन को हलकान कर दिया है। बोधगया बालिका गृह में नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ वहीं के कर्मचारियों द्वारा कई बार यौन शोषण की खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। दरअसल में यह मामला तब प्रकाश में आया जब नवादा सिविल कोर्ट के आदेश पर बालिका को बोधगया के सक्सेना मोड़ स्थित बालिका गृह में मानसिक विक्षिप्त होने की स्थिति में वहां रखा गया था। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि उसके प्रत्येक रात को भोजन के बाद दूध में नशीली पदार्थ मिलाकर पीने के लिए दिया जाता था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती थी। सुबह हो जाने के बाद उसके शरीर में दर्द और कपड़े अस्त व्यस्त होते थे। जब उसकी शिकायत पीड़िता ने बालिका गृह के अधीक्षक को बताया तो उसे डांट फटकार कर धमका दिया गया कि वो बाहर किसी को भी इसकी जानकारी ना दे। हद तो तब हो गई जब बोधगया बालिका गृह के अन्य चार लड़कियों के साथ भी हैवानियत और दरिंदगी की बात प्रकाश में आई। इस घटना के बाद एक बार फिर बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा और अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हो गए हैं। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है। वहीं संदर्भ में बाल संरक्षक सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने बताया कि बोधगया के बालिका गृह में एक नवादा जिले युवती को रखा गया था। युवती के द्वारा नवादा व्यवहार न्यायालय में यह आरोप लगाया गया है कि बालिका गृह में उसके साथ यौन शोषण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बालिका गृह में सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार जांच की जा रही है और इस मामले पर राज्य स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि युवती के द्वारा यौन शोषण का आरोप जो लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है, क्योंकि बालिका गृह में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 5 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई है। दया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।